और न्यूजीलैंड की कैप्टन टॉम लैथम का बच्चा कुछ शर्म कर लेता यार, वैसे तो बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा था। अकेला फकर जमान तुम लोगों से काबू नहीं हो रहा है, दूसरे ओडीआई में भी ठोका, अब तीसरे ओडीआई में कल बच के रहना, कल नहीं हारना। कोहली भैया काय को टेंशन लेती, T20 भी हम दो हार गई, वो तो चौथे मैच में T20 में बारिश हुआ, सीरीज बराबर होती लेकिन ओडीआई सीरीज हम जीतती, इसका सबूत हम कल आपको पहला मैच जीत के देती, कल फकर को हम शून्य पर आउट करती। और टॉम भैया बस कर रहने दे कोहली भाई, ये फोकट में टें टें कर रहे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, देख लेना फकर जमान कल फिर इनको ठोकेगा, इस सीरीज में अकेला फकर इनको ऐसे तेल लगाएगा ये जाते समय तक क्या बल्कि पूरी जिंदगी याद। बाबर भैया बोलने दो, यही केवल ये काम कर सकते हैं, क्योंकि जब फकर जमान का बल्ला चलता है सामने वाली टीम का खाना चित हो जाता है। पिछले मैच में 337 का टारगेट था लेकिन 40 ओवर में मैच मेरी मुट्ठी में था। ओ फकर ब्रदर बस करता, दो मैचों में तेरा शतक क्या लग गया, तू तो ससुर का नाती बहुत टैं टैं करता, लेकिन तू टेंशन मत ले, कल तीसरे मैच में तेरे से नहीं शतक लगेगा, ये डेरी मिचल का शतक पक्का है, पहले से लिख के लेता और हमारा टीम जीत। मिचल के बच्चे तू तो रहने दे, तू तो ससुर के नाती शतक का नाम नहीं ले, तेरा शतक देख देख कर हम खुश हुए कि अब पाकिस्तान हारा, लेकिन तेरा शतक साला मनुष्य, तू शतक नहीं लगाइयो, टॉम ब्रदर इसको खिलाना नहीं, ये शतक लगा के सत्यानाश करे। रोहित भैया अब हम क्या करें, इसको खिलाएंगे तो ये ससुरा फिर से शतक लगाती, हमको पता होता ये नहीं हटता, लेकिन अजीब बात होता हमारे लिए, पहले प्लेयर नहीं खेलता उसको बार बैठाता, लेकिन ये ससुरा शतक लगाता मैच नहीं जीतता इसलिए बार बैठाना पड़ता। टॉम भैया इसमें इस गरीब का कोई दोष नहीं, इसके पीछे काय को पड़ता यार, ये सारा हमारे कारण होता, तुम किसी को भी खिलाता, जितनी मर्जी रन बनाता, शतक छोड़ के डबल डबल शतक लगाता, लेकिन फकर के बल्ले के सामने सब खलास हो जाएगा। बाबर भैया समझा ले अपने फकर जमान को, दो शतक लगा के बहुत टैं टैं करा, वैसे न्यूजीलैंड की ये बच्चों की टीम है, लेकिन अब हमने समझा दिया, देखना यही बच्चे आपको कल कैसे ठोकेंगे, बल्कि तीनों ओडीआई मैच में ऐसा ठोकेंगे, सीरीज अपने नाम कर लेंगे देखने का। कोहली भाई साहब तेरे को ये क्या हो गया, तेरे को काय को खुजली हो रही, हम ठोक रहे न्यूजीलैंड को, उसको किसने बोला था, वैसे भी टीम बच्चों की नहीं है, बढ़िया टीम है, फकर जमान सही कह रहा है, न्यूजीलैंड को हम 5-0 से ठोकेंगे, तुम देखते जाओ। बाबर भैया छोड़ कोहली को, कोहली भाई तुम भी ज्यादा टेंटे मत करो, तुम्हारे सारे गिले शिकवे मिटाने आ रहे हैं, तुम्हारे देश ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने, तुम्हारे देश में घुसकर जब तुमको ठोकेंगे ना तेल लगा के, फिर बोलना कितने 20 का 100 होता है।